वेलकम बैक टू ओभा होम प्लान दोस्तों आज का ट्रॉफिक बीस फुट बाई तीस फुट का एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान लेकर आया हूँ आपके सामने एंड इस वीडियो में डिटेल्स में इसका प्लानिंग क्या रहेगा एंड इसका इंटीरियर डिटेल्स क्या क्या रहेगा फ्रंट एलिवेशन किस टाइप का देखने को मिलेगा ओके एंड और एक इम्पोर्टेंट बात है इसको कम्प्लीट करने के लिए कितना खर्चा होगा एंड इसका कंस्ट्रक्शन का जो इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करिए फुल वीडियो देखिए चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही इस प्लान का जो वाइड है वो बीस फुट है एंड इसका जो लंबाई है ये तीस फुट है एंड देखिए आपका इधर आपका फ्रंट में एक एंट्री गेट देखने को मिलेगा जो एंट्री गेट है इसका जो वाइड है ये तीन फुट छः इंची है ओके एंड इसका जो हाइट है वो सात फुट रहेगा एंड देखिए आपका जो भीत हाइट है इधर से इतना तक है वो दो फुट है एंड इसका टोटल बिल्डिंग का हाइट इधर से इतना तक है ये दस फुट छः इंच है देखिए इधर आपका मेन एंट्री होता है मेन एंट्री होने के बाद आपका जो एंट्री होता है वो स्टेयर केस एरिया में होता है ओके एंड देखिए फास्ट में आपको स्टेयर केस ही देख लीजिए स्टेयर केस का जो वाइड है ये तीन फुट है एंड इसका जो ट्रेड मतलब तो पैर रखने के लिए जो जगह होता है ये दस इंची है एंड इसका राइजर मतलब इसका जो हाइट है ये छः इंच है एंड देखिए इस टाइप के ऊपर स्टेयर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर एंट्री होता है एंड स्टेयर केस में आपका फ्रंट में एक विंडो देखने को मिलेगा ओके okay. जो विंडो का साइज है इसका जो वाइड है वो तीन फुट रहेगा एंड हाइट इसका पाँच फुट रहेगा ओके एंड देखिए जो स्टेयर केस है उसके बाद हम लोग जो एंट्री होता है आपका एक स्मॉल साइज का ओपन एक किचन एंड डाइनिंग हॉल देखने को मिलेगा ओके okay. जो विंडो है वो भी आपको देखने को मिलेगा जो बाहर साइड पर भी, भी देख सकते हैं इसका जो साइज है वो चार फुट है एंड इसका हाइट जो है वो तीन फुट छः इंच है एंड ये सिंपल वाला आपका डिजाइन है विंडो का ओके एंड देखिए इधर आपका फोर सीटेड वाला एक जो डाइनिंग सेट है इधर भी आपको देखने को मिलेगा डाइनिंग हॉल से कनेक्टेड आपका फर्स्ट वाला बेडरूम इधर आपको देखने को मिलेगा ओके एंड जो एरिया है इस एरिया से स्मॉल बेडरूम के लिए जो जो फर्नीचर है सारी कुछ आपको देखने को मिलेगा एक किंग साइज का बेड है एक छोटा सा आलमरा एंड देखिए इधर भी छोटा सा है एंड ड्रेसिंग टेबल भी एडजस्ट है एंड इसका जो कलर है सेमी कलर है ओके okay, एंड इस बेडरूम में भी आपको दो विंडो देखने को मिलेगा इस साइड में भी एंड इस साइड में भी ओके okay, जो बाहर से भी देखिए आपका जो सिंपल वाला डिजाइन है ओके okay, एंड इसका जो साइज है वो चार फुट बाय चार फुट है ओके okay, एंड देखिए डाइनिंग हॉल से आपका कनेक्टेड आपका सेकेंड वाला बेडरूम ये आपका सेकेंड वाला बेडरूम भी देखने को मिलेगा ओके एंड देखिए इधर भी आपका जो स्मॉल वाला बेडरूम भी आपको देखने को मिलेगा ओके एंड देखिए इस एरिया में भी आपका टोटल जो आपका बेड के लिए सेटअप आपको देखने को मिलेगा इधर एंड इधर देखिए एक कॉबर्ड भी आपको देखने को मिलेगा इस वॉल पे एंड इस वॉल पे आपका देखिए छोटा सा एक अलमरा एंड इधर एक ड्रेसिंग टेबल भी आपको देखने को मिलेगा एंड इस बेडरूम में भी आपका दो विंडो देखने को मिलेगा इस साइड एंड इस साइड ओके एंड दोनों विंडो के होने से बाद आपका जो वेंटिलेशन है ये बहुत ही अच्छा तरफ से हो जाएगा एंड लाइट भी आराम से आ जाएगा ओके एंड इस विंडो का जो साइज है वो चार फुट बाई चार फुट एंड ये भी सिंपल वाला आपका विंडो देखने को मिलेगा ओके डाइनिंग से कनेक्टेड आपका थर्ड वाला जो बेडरूम है ये आपका चिल्ड्रेन बेडरूम भी कह सकते हैं ओके इधर देखिए आप छोटा साइज का जो बेड है आराम से एडजस्ट हो जाएगा एंड इस वॉल में आपका देखे एक छोटा सा अलमारा एंड ड्रेसिंग टेबल भी एडजस्ट हो जाएगा एंड आपका सारे दे� जो रूम है उसका सेम ही कलर है ओके एंड इस बेडरूम पे भी सेम कलर आपको देखने को मिलेगा एंड देखिए बेडरूम में इधर एक विंडो इधर एक विंडो दोनों साइड में आपका दो विंडो एंड सारी आपको विंडो का सेम डिजाइन है एंड सेम साइज है चार फुट बाय चार फुट दोस्तों तीनों बेडरूम हम लोग देख ले तीनों बेडरूम का जो साइज है डोर का वो सेम ही है इसका जो वाइड है तीन फुट है एंड इसका हाइट है वो सात फुट है एंड डाइनिंग प्लेस से देखिए इधर कनेक्टेड आपका कॉमन टॉयलेट इधर आपको देखने को मिलेगा एंड जो कॉमन टॉयलेट का साइज है ये सफिसियन साइज है मॉडर्न टॉयलेट के लिए एंड देखिए सारी कुछ आपको एडजस्ट इधर देखने को मिलेगा एंड इधर आपको एक वेंटिलेशन देखने को मिलेगा जो बाहर से देख सकते हैं ओके ये जो वेंटिलेशन का साइज है दो फुट बाई दो मॉडर्न टाइप का देखिए इधर एडजस्टेबल फैन भी इधर है वेंटिलेशन में ओके okay, गेट का जो गेट है उसका साइज है दो फुट छ इंच बाय इसका जो हाइट है सात फुट रहेगा ओके okay, एंड दोस्तों देखिए टोटल बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद इस टाइप का लुक्स देखने को मिलेगा ओके okay, कितना बढ़िया इसका लुक्स है फ्रंट से देखिए देखिए दोस्तों इधर एक छोटा सा गार्डन आपको देखने को मिलेगा एंड इधर आपका मेन गेट देखने को मिलेगा एंड देखिए इसका फ्लावर का जो फ्रंट का डिजाइन और भी अच्छा लगता है एंड देखिए इधर आपका विंडो का डिजाइन है एंड जो स्टेयर रूम है उसका भी डिजाइन आपको देखने को मिलेगा एंड इधर देखिए पैरापेट का जो ग्लास से इधर लगा है और भी अच्छा अट्रेक्टिव लग रहा है मंकी रूंग का भी इधर आपको इस टाइप का डिजाइन देखने को मिलेगा एंड और भी जो साइड है उस साइड से व्यू देखिए कितना खूबसूरत इसका व्यू है सिंपल वाला व्यू है लेकिन इतने में आपका बहुत ही लाजवाब एक व्यू भी आ रहा है एंड बहुत ही कम खर्चा में आपका थ्री बी का जो बेडरूम है वो भी आपको देखने को मिलेगा है। ओके दोस्तों हम लोग इसका जो थ्री व्यू है ये तो देख लिया बट इसका प्लानिंग नहीं देखा है। अभी इसको प्लानिंग को हम लोग डिटेल्स में देखते हैं ओके दोस्तों देखिए इस प्लान का जो वाइड है ये 20 फुट है एंड इसका जो लंबाई है ये 30 फुट है ओके एंड एंड देखिए इधर आपका मेन गेट देखने को मिलेगा एंड मेन गेट का जो स्टेयर केस है उसका साइज़ देखिए नौ फुट चार इंच बाय आठ फुट दस इंच ओके इसके बाद हम लोग जो एंट्री होता है वो ओपन किचन एंड डाइनिंग एरिया में एंड ओपन किचन एंड डाइनिंग एरिया का साइज़ देखिए नौ फुट चार इंच बाय ग्यारह फुट आठ इंच एंड उसके बाद आपको फर्स्ट बेडरूम इधर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट बेडरूम का साइज़ देखिए नौ फुट पाँच इंच बाय बारह फुट तीन इंच ये भी ठीक ठाक साइज है उसके बाद आपका सेकेंड वाला बेडरूम देखिए इसका साइज है नौ फुट पाँच इंच बाय बारह फुट एक इंच जो सेकेंड वाला बेडरूम है ठीक ठाक है साइज है एंड थर्ड वाला जो बेडरूम है ये आप चिल्ड्रेन बेडरूम भी बोल सकते हैं इसका साइज है नौ फुट चार इंच बाय आठ फुट तीन इंच एंड दोस्तों ड्राइंग कम डाइनिंग से कनेक्टेड आपका कॉमन टॉयलेट देखिए इसका साइज है सात फुट बाय चार फुट दोस्तों देखिए इतना कम एरिया में मतलब 600 स्क्वायर फुट में आपका तीनों बेडरूम मिल रहा है एंड बढ़िया इसका बेडरूम का साइज एंड और भी जो साइज है बढ़िया इसका साइज एंड टोटल ओके okay. दोस्तों अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे देखिए इसका जो स्ट्रक्चर डिजाइन एक ये हो गया मतलब इसका जो कॉलम है कंस्ट्रक्शन हो गया ओके okay. एंड ये जो कॉलम है इसका साइज है दस इंच बाय दस इंच एंड कितना कॉलम यूज हुआ है हम लोग एक बार काउंट कर लेते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह टोटल बारह कॉलम यूज है मतलब ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही हार्डी एक स्ट्रक्चर है इसमें आप जी प्लस टू भी काम कर सकते हैं इस कॉलम के मदद से ओके क्योंकि इसका फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है इस क्ले ओके एंड देखिए इसका स्टेयर भी कंस्ट्रक्शन हो गया एंड देखिए स्टेयर से मेन एंट्री होता है इसलिए इसका स्टेयर देखिए इधर आपका डाउन देखने को मिलेगा एक फुट क्योंकि ये जो मेन गेट का हाइट है ये आपका सही से मिल जाएगा ओके दोस्तों देखिए अभी जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपका टोटल जो कॉलम वर्क है ये भी कंप्लीट हो गया एंड इसका जो ब्रिक वर्क है ये भी कंप्लीट हो गया देखिए इस जो मॉडल से आपको पता चल जाएगा कहाँ पे डोर एंड विंडो ओपनिंग है एंड एंड किस टाइप का इसका मॉडलिंग है ओके okay. अगर आप, आपको इस टाइप का मॉडलिंग मिल जाएगा तो कंस्ट्रक्शन में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा ओके okay. दोस्तों कंस्ट्रक्शन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कितना भीत हाइट मतलब इधर से इतना कितना होना चाहिए नॉर्मली दो से तीन फुट रहना चाहिए ओके okay. इधर आपका दो फुट कॉन्सिडर किया है अगर आपका जो एरिया के हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं एंड बिल्डिंग हाइट नॉर्मली दस से ग्यारह फुट होता है ये जो बिल्डिंग हाइट है इधर दस फुट छः इंच है एंड दोस्तों इधर देखिए स्लैब हाइट इधर से स्लाब का जो थिकनेस है पाँच इंच है ओके एंड इसके साथ ही आपका जो बीम है कनेक्टेड है ये आपका नौ इंच से बारह इंच पंद्रह इंच भी कर सकते हैं वो कितना फ्लोर है उसके ऊपर डिपेंड करता है इधर आपका बारह इंच का बीम देखने को मिलेगा ओके okay, एंड और जो इम्पोर्टेंट है वो आपका जो पैरापेड इधर से इतना तक कितना हाइट होता है नॉर्मली तीन फुट होता है एंड जो मंकी रूम है इसका हाइट होता है नॉर्मली सेवन टू एट फुट होता है ओके okay. दोस्तों बेसिकली हम लोग इसका डिजाइन तो देख लिया बट इसका बजट कितना है अगर आपको बजट के बारे में मालूम नहीं होगा तो काम करने में बहुत ही दिक्कत होने वाला है दोस्तों अभी जो प्लान देखा ये 600 स्क्वायर फुट का प्लान है सिर्फ ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन हुआ है इसी टाइप का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा आपको अप्रॉक्स सिक्स टू एट लाख रुपीज में ओके okay. बट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आपको भी मालूम है एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितना वेराइटी जो मेटेरियल है उसका उपयोग होता है एंड उसका भी वेराइटी स्टेप का ब्रांड है इसलिए आपका लोकेशन एंड ब्रांड इस वजह से आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट पकड़ के चलिए ऑल ओवर इंडिया में एट टू सिक्स लाख रुपयास में आपका इस टाइप का सिंपल बढ़िया डिजाइन मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन ओके दोस्तों मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूं मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिल्डिंग प्लान प्रोवाइड करता हूं अगर आपको न्यू बिल्डिंग प्लान चाहिए तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको टू प्लान थ्री डी फ्रंट एलिवेशन एंड कंस्ट्रक्शन के कोई भी नॉलेज चाहिए तो हमारे साथ कॉन्टेक्ट करिए स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं व्हाट्सअप भी कर सकते हैं ओके बहुत ही कम प्राइस में हम लोग आपका जो जो मदद है वो हम कर देंगे ओके दोस्तों वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताइए जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड जो बेल आइकन है उसको दबा दिए एंड जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं वो इस चैनल को जरूर फॉलो करिए एंड लाइक भी करिए एंड कॉमेंट भी करिए ओके क्योंकि आपको ये जो वीडियो है अगर आप लोग ज़्यादा कॉमन ज़्यादा शेयर करेंगे ओके हम लोग और भी नया नया मॉडल आपके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके जो लोग बिल्डिंग प्लान एंड और भी जो डिज़ाइन प्रोवाइड नहीं कर सकते तो इस चैनल के मदद से आप इस डिज़ाइन को फॉलो करके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं फ्री में ओके अगर आपको न्यू डिज़ाइन चाहिए तो इसके लिए पेड सर्विस है वो बहुत ही कम प्राइस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं ओके दोस्तों फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ तब तक जय हिंद जय भारत